हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे सी सेक्शन के बारे में, सर्जेरियन डिलीवरी के बारे में और क्या रीज़न है कि इंडिया के अंदर लगभग 65% जो बच्चे हैं वो ऑपरेशन से पैदा होते हैं। उसके पीछे क्या क्लिनिकल फैक्टर हैं, क्या बिजनेस है, क्या फिर हेल्थ की कंडीशंस हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। WHO के अनुसार 10 से 15% बच्चे ही ऑपरेशन से पैदा होने चाहिए, अदरवाइज़ और दूसरी कंडीशंस में कोशिश ये की जानी चाहिए कि बच्चे नॉर्मल ही पैदा हों, क्योंकि जो नेचर ने प्रक्रिया बनाई है बच्चे पैदा करने की वो फुल प्रूफ है, साइंटिफिक है, नेचुरल है और बहुत ही नॉर्मल है। उससे छेड़खानी करना किसी भी अपनी सुविधा के लिए या दूसरे किसी कारण बस, ये बिल्कुल गलत है। और WHO के अनुसार 2 कंडीशन में ऑपरेशन से बच्चा पैदा हो सकता है। वो फर्स्ट कंडीशन है कि बच्चे की जो लाइफ है उसको कोई रिस्क हो, या फिर मदर की लाइफ को कोई रिस्क हो, तो उन कंडीशंस में ऑपरेशन से बच्चा पैदा किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और देखा जाए तो आजकल हम सुनते हैं कि नॉर्मल मतलब ऑपरेशन से ही बच्चा पैदा होते हैं, बहुत ही कम सुनने में आता है कि नॉर्मल बच्चा पैदा हो गया विदाउट ऑपरेशन और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम पहले उसको समझेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसी कौन सी हेल्थ कंडीशंस हैं। यदि आप ओबीज हैं और मोर देन 30 ईयर आपकी एज है, फिर आपको थायराइड है या फिर आपके दूसरे कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं जिसमें कि डॉक्टर्स कंसीडर कर सकता है, या फिर बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है, तो उन कंडीशंस में या फिर मदर को कोई रिस्क है, तो क्लिनिकली ये कंसीडर किया जा सकता है कि ऑपरेशन से बच्चा पैदा किया जाए। लेकिन आपने सुना होगा कि बच्चे ने पॉटी अंदर कर दी, या बच्चे के गर्दन में कुछ नाल फंस गया, जेली फंस गई, और बच्चे की धड़कन ठीक नहीं है, या बच्चा का मतलब कंडीशन ठीक नहीं है, बच्चा उल्टा है, आड़ा है, टेढ़ा है, इस तरह की बहुत सारी बातें आप सुनेंगे जो आपको बताया जाता है पहले से, आपको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। और एट लास्ट आप देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन एंड रिजल्ट ऑपरेशन से ही बच्चा पैदा होता है। अब ऑपरेशन से बच्चा पैदा होना और नेचुरली बच्चा पैदा होने में क्या अंतर है और उसके क्या क्लिनिकल नुकसान है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। कई बार ये देखा जाता है कि जो टांके लगाए जाते हैं सी सेक्शन के बाद उनका हील होना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स वाली कंडीशन बन जाती है, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। दूसरी बात है कि जब लेबर पेन आता है और जब नेचुरल डिलीवरी होती है, यानी डिलीवरी होने के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो फेज़ होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है, उससे बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं बच्चे के अंदर और बहुत सारी क्लीनिंग भी होती है और बहुत सारे हार्मोनल सिक्रीशन भी होते हैं, तो वो सारी प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे पैदा होने के बाद रेस्पिरेटरी कंजेशन या बहुत जल्दी कफ कोल्ड होना, छाती का कंजेशन, बच्चे का वीक रहना, बच्चे का जल्दी बीमार होना, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और फिर इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो भी एक डेवलपमेंट वाला पार्ट है, और जो लेबर पेन होता है उस वो जो एक कॉम्प्लेक्स है, वो एक लड़ाई है, जो वो एक जो कंडीशनल फाइट है, उससे बच्चे के रेस्पिरेटरी सिस्टम को, टोटल सिस्टम को बहुत फ़ायदा होता है, उससे अच्छा रेस्पिरेशन होता है, क्लीनिंग होती है पेट की और बॉडी उसके लिए तैयार होती है। और जब बच्चे को डिसकनेक्ट किया जाता है मदर से, यानी उसके प्लेसेंटा को कट किया जाता है, तो बहुत सारे बायोकेमिकल, हार्मोनल और मेटाबॉलिक चेंज बच्चे के अंदर आते हैं, वो एक प्रिपरेशन होती है, तो वो सब जब ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है तो वो सब नहीं हो पाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अब ऐसा क्या करें कि जिससे बच्चा नॉर्मली पैदा हो, हम सी सेक्शन से बच पाएँ, उसको सीधा सा समझने की ये ज़रूरत है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कार्ब्स कम लें, मतलब कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करें, अपने शुगर लेवल को नॉर्मल रखें, बीपी को नॉर्मल रखें, आपको यदि कोई अस्थमेटिक इशू है तो आप उसको डील करें विद द हेल्प ऑफ द गायनी, प्लस रेगुलरली वॉकिंग ज़रूर करें, या फिर आप कुछ स्पेशलाइज्ड योग व्यायाम है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिवली आप मोमेंट में रहें, बैठे ना रहें, बहुत ज़्यादा आराम ना करें और बहुत ज़्यादा वेट ना बढ़ने दें, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। यदि वेट पे आप क्लॉक नज़र रखते हो, आप रेगुलरली वॉकिंग करते हो, स्पेशलाइज्ड जो योग व्यायाम आपके लिए बताए गए हैं वो योग व्यायाम करते हो, तो आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस हैं। और टाइम से ही कंसीव करें, मतलब बिफोर 30 आप शादी कर लें और बिफोर 35 आप बच्चे पैदा करें, तो दैट इज़ अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस। तो इससे क्या होगा, आप उस कॉम्प्लिकेशन से बच जाओगे और जो सी सेक्शन का जो रिस्क है, जो डिलीवरी ऑपरेशन से होने वाली बात है, उससे शायद आप बच पाओ।
तो ये सब कुछ देखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद एक और चीज़ है कि जो बिजनेस है प्राइवेट सेक्टर में, कि भाई मतलब पेनलेस है आजकल, सब डिलीवरी ऐसे ही होती हैं, लोग अपनी सुविधा से भी कई बारी गायनी को फोर्स करते हैं कि आप उस डेट में उस टाइम पे डिलीवरी कर दीजिए, हम दर्द नहीं सहना चाहते, और दर्द सहने की ज़रूरत क्या है जब एक प्रोसीजर है, जब एक ऑपरेशन किया जा सकता है, जब साइंटिफिक प्रोसीजर है ये, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरह की बातें। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, जो नॉर्मल डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी है, वही हेल्दी है, वही सही है, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और जो सी सेक्शन है या डिलीवरी यानी ऑपरेशन से जो बच्चे पैदा होते हैं, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ रिस्क ज़रूर जुड़ा रहता है, वो नॉर्मल डिलीवरी जैसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हो सकता है। जो नेचुरल प्रक्रिया है वो बिल्कुल साइंटिफिक है, 100% साइंटिफिक प्रूव है कि नेचुरल ही वे से बच्चे पैदा हों वो ज़्यादा हेल्दी प्रैक्टिस है। उससे क्लिनिकली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को, बच्चे की मदर को, सबको फ़ायदे होंगे और लॉन्ग टर्म फ़ायदे होंगे। और एक सबसे बड़ी बात, बहुत सारी औरतों को सी सेक्शन करने से पहले बैक में एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको हम एनेस्थेसिया कहते हैं। उस इंजेक्शन के कारण भी, उस एनेस्थेसिया के कारण भी बहुत सारी औरतों में पीठ का कमज़ोर होना, स्पाइनल नर्व्स का कमज़ोर होना और बॉन्स का कमज़ोर होना, और वो दर्द ज़िंदगी भर रहता है कुछ औरतों को, और एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस वो फीमेल्स झेलती हैं। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है। तो कोशिश ये करें कि नॉर्मल खाना लें, वॉक करें, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करें, पॉजिटिव रहें, अपने वेट को ना बढ़ने दें, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना लें, प्लस आप जितना मूवमेंट में रहेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाएगी और आप सी सेक्शन से बच पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।